और आप ही बताइए, अगर मेरी आंखों के सामने एक मासूम लड़की की जबरदस्ती शादी एक गुंडे से की जा रही होती तो मैं क्या करता? मेरी जगह कोई भी शरीफ आदमी होता तो यही करता। इनफैक्ट आप भी यही करते हैं। आज एक मासूम की जिंदगी बर्बाद होते तो नहीं देख सकते थे ना? छोड़ो, जाओ। ओए, चक्कर की है? चक्कर मतलब? तेरी आंखों में साफ नजर आ रहा है तुझे उससे प्यार हो गया है। नहीं पाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। ओए पुत्र, दुनिया देखी है मैंने, तेरे जैसे बहुत आशिक देखे हैं। ये बिल्कुल सच है, मान ले तुझे उससे प्यार हो गया है। ओए, क्या सोच रहा है? सच्चा आशिक ही ऐसी हरकत कर सकता है। सच्चे आशिक के लिए सब माफ है। जा, तुझे माफ किया, कर ले अपनी जिंदगी के ख्वाब पूरे। थैंक यू बाजी। यार ना पकड़, तू गले मिल। जहां मैं चलती हूं। अरे एक मिनट रुको ना, मैं गिफ्ट लाया हूं तुम्हारे लिए। मेरे गिफ्ट? हाँ। वो क्यों? वो तुमने कल अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है ना, तुम्हारी बीजी ने तुम्हें गाना गाने और ग्रेट इंडियन वॉइस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे दी है। तो मुझे लगा कि एक छोटा सा सेलिब्रेशन तो बनता है, और इस खूबसूरत से पल से बेहतर क्या हो सकता है। एक मिनट, आंखें बंद करो पहले। अरे अब अपनी आंखें बंद करो। सॉरी। खोलू? एक मिनट ना, नो चीटिंग। खोला। वाओ, Jordy, are you in the washroom? कहाँ गया ये लड़का? No way. Jordy अपना फोकस नहीं ला सकता। हेलो आंटी। अनिका, कल के लिए तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स की सब तैयारी हो गई है ना? जी आंटी, सब रेडी है। कल इस इलाही के लिए इतनी मुश्किलें खड़ी कर देना कि वो अपना ऑडिशन पूरा ही ना कर पाए। कल का दिन इस इलाही के लिए सबसे बुरी याद बन जाना चाहिए। Got it? बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपने बोला है। जनू